हे माय लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो ना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ना मैं एक बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, जिसे कि आप लोग ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो पे तो आप लोग आ ही गए हो, तो एक छोटा सा काम कर दो, वीडियो को बस एक लाइक कर दो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो आप लोग। सो अब बहुत सारी बातें हो गई, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। ये मैंने मंगवाया है नोवा का हेयर क्रीम पर मीशो से, मैंने ये ऑर्डर किया है एंड आई थिंक 200 के अप्रॉक्स में है। एग्जैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं है। एंड ये मुझे रिसीव हो गया था, 5-6 दिन हो गए इसके रिसीव हुए हुए, बट मुझे ना लगा कि जब ये रिसीव हुआ ना तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि आप भी हो गए। ये देखो, अब यहाँ पर लिखा है हेयर स्ट्रेटनर। तो जब मुझे रिसीव हुआ ना तो मैं सोची हेयर स्ट्रेटनर, मैंने तो हेयर क्रीम पर यूज़ किया था, तो फिर मैंने जल्दी से ओपन किया तो फाइनली ये हेयर क्रीम पर ही था। तो यहाँ पर आई डोंट नो क्या उन लोग से मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर लिखा है हेयर स्ट्रेटनर, बट ये है नोवा का हेयर क्रीम पर, ठीक है। पैकेजिंग आपको कुछ इस टाइप का मिलता है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग है एंड इस टाइप में यहाँ पर दिया गया ये क्रीम पर। देन इसमें आपको 3 कलर मिल जाते हैं यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर आपको कलर मेंशन है, पिंक, पर्पल एंड ब्लैक। मुझे ना पर्पल मिल गया, ठीक है। सो पैकेजिंग अच्छा है, यहाँ पर आपको सारा कुछ दिया गया है जो भी यहाँ पर आपका यूजेस है, देख रहे हो आप, यहाँ पर साइड में दिया गया, ठीक है। एंड आई डोंट नो कैसा ये वर्क करेगा एंड मैं बहुत ज़्यादा इससे होप रखती हूँ कि ये 100% अच्छा वर्क करे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक क्रीम पर का तलाश कर रही थी, तो फाइनली मैं ये ट्राई करूँगी, ठीक है। सो चलो अब मैं इसको ओपन करती हूँ, एक बार भी मैंने अब इसको ट्राई नहीं किया है। तो ये देखो आप, ओ माई गॉड, बबल रैप आपको मिलता है एंड कौन कौन ये काम करता है पहले कमेंट में ज़रूर बताना, चलो इसको मैं बाद में करूँगी। सो ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सो क्यूट ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड कलर, ओ माय गॉड, मुझे कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड दिस ब्रांड इज़ नोवा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंड ये देखो आप, कितना ज़्यादा क्यूट है ना, इसका कलर बहुत ज़्यादा पर्पलिश है। एंड ये है इसका प्लेट, प्लेट आप देख लो, यहाँ पर ये क्रीम टाइप में बना हुआ है जिगजैग की तरह, यही हमारे बालों को क्रीम करेगा। देन आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है जस्ट लाइक दिस, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड इसका आपको ये है वायर, वायर की भी लेंथ बहुत ही अच्छी है। मैं भी इसको ओपन कर लेती हूँ फटाफट, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया है तो ये है इसका वायर, वायर भी की लेंथ भी अच्छी है, ठीक है। ये तो अभी ना मैं इसको ट्राई करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ कि कैसा ये वर्क करता है। सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। एंड यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है, देन ये है क्रीम पर, यहाँ पे बस आपको एक नोवा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको लगाती हूँ पहले प्लग को, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। अभी आप देखो, यहाँ से मैं ये ऑन करती हूँ तो ये रेड लाइट ऑन हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा, तो यू कैन सी यहाँ से आपको रेड लाइट दिखेगा, इसका मतलब ये ऑन हो चुका। एंड इसको मैं ना थोड़ी देर हीट करने के लिए रखती हूँ। देन आपको क्या करना, आपके बाल में ऑयल नहीं होना चाहिए अगर आप क्रीम पर यूज़ कर रहे हो तो। तो अभी मेरे बालों आप देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रेट हेयर है मेरे। तो सबसे पहले ना मैं अपने बालों का सेक्शन निकाल लेती हूँ, तो मैं अपने फ्रंट के हेयर ही निकाल रही हूँ। ये देखो आप, मैं ना फ्रंट का इतना ही हेयर पहले आप लोगों को दिखाती हूँ कर ये कैसा वर्क करता है। ये देखो आप, मेरे बालों का मैंने इतना सेक्शन निकाला है। देन इसको आप ना अच्छे से पहले कॉम्ब कर लो एंड फिंगर क्रॉस, आई डोंट नो क्या हो। एंड रात के 3 बज रहे हैं लिटरली, एंड अभी मैं शूट कर रही हूँ वीडियो, चलो ये सब बातें छोड़ते हैं। तो ये हीट हो चुका है एंड हाँ, इसमें से हीट हो गया है। सो चलो अब मैं थोड़ा यहाँ से करती हूँ, ठीक है। इसको ना आपको थोड़ा थोड़ा ना थोड़ी देर प्रेस करना है, देन आपको नीचे आना है, ऐसे ही आपको पूरे बालों में करना है। जैसे आप स्ट्रेटनर यूज़ करते हो उस टाइप से आपको बाल को स्ट्रेट नहीं करना है, तो पहले मैं कर लेती हूँ वरना मेरा स्किन जल सकता है। ओह, मुझे दिख रहा है, शायद हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। आई एम सुपर एक्साइटेड गाइस, ट्रस्ट मी।
इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। ओह माय गॉड, एक सेकेंड मैं इसको ऑफ करती हूँ। अनएक्सपेक्टेड गाइस, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये क्रिम्पर मिल रहा है एंड लुक एट दिस क्रिम्प योर हेयर। ओ माय गॉड, रियली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, इतना अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिलेगा मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड देखो आप कितना ब्यूटीफुल सा ये क्रिम्प कर रखा है मेरे हेयर को, ये देखो आप। ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। मेरे तरफ से तो गाइज 100 out of 200 मैं देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग वर्क कर रखा है इसने एंड गाइज ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला है, तो इसलिए मैं और ज़्यादा शौक दूँ। ये देखो आप, अभी मैं ना और अपने हेयर को करके दिखाती हूँ आप लोग को। एंड गाइज मैं एक बार और आप लोग को बता दूँगी, इसको आपको स्ट्रेटनर की तरह इस टाइप से नहीं करना है, आपको क्या करना है, अपने बालों को आपने सेक्शन कर लिया, ठीक है। ये देखो आप, मैंने अपने बालों का सेक्शन ले लिया, इसको आपको ऑन करके एक मिनट आपको गर्म होने के लिए छोड़ देना है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रखा है। एंड आपको ना अपनी ये स्कैल्प है ना, इससे आपको गैप करके ही करना है, ठीक है। एंड इसको आप थोड़ी देर प्रेस करो, फिर आप छोड़ दो, फिर नीचे के बाल पे आओ, फिर आप इसको थोड़ी देर प्रेस करो, फिर आप नीचे, और इसी टाइप से आपको प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, देन आपको पूरे हेयर में सेम ही प्रोसेस करनी है। गाइस आप मेरे बालों को देख सकते हो, कितना ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है एंड बाल में ना बहुत ज़्यादा आपको वॉल्यूम आ जाता है जब आप क्रिम्प करते हो तो। एंड इस साइड का हेयर एंड इस साइड का आप हेयर देख सकते हो, इधर प्रॉपर स्ट्रेट है। एंड ये देखो आप, मैंने क्रिम्प किया था, सच में ये वाला जो है ना हेयर क्रिम्पर मस्ट ट्राई है गाइस। मैं लिंक दे दूँगी, लिंक नहीं कोड दे दूँगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वो कोड जाके मीशो पे सर्च करोगे एंड आप लोगों को मेरे हाईली क्या बहुत वाला हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इतना अफोर्डेबल प्राइस में इतना बेस्ट क्रिम्पर, मैं तो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हूँ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने अपने हेयर को क्रिम कर लिया है एंड अभी बस मैंने अपने हाफ हेयर को क्रिम किया है, क्योंकि अभी मैं अपने पूरे हेयर को क्रिम करके क्या करूँगी, कहीं मुझे अभी जाना नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बस अपने हाफ हेयर को क्रिम किया आप लोग को दिखाने के लिए। सो अगर मैं क्रिम्पिंग की बात करूँ एंड प्रोडक्ट की बात करूँ तो 10 out of 10 है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, नो डाउट। बट आप लोगों को क्या करना है, इससे इसको यूज़ करने से पहले आपको हीट स्प्रे ज़रूर यूज़ करना है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड है, बट मैंने यूज़ नहीं किया, एक्साइटमेंट लेवल में मैंने स्किप कर दिया। हेयर सीरम हीट प्रोटेक्शन ज़रूर आप यूज़ करना। देन आपको क्या करना, अगर आपको ये बहुत टाइम तक स्टे करके रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप सेटिंग स्प्रे, हेयर सेटिंग स्प्रे आता है उससे आप इसको अच्छे से सेट कर लो, ये टस से मस नहीं होगा, अपने जगह पे बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये आप छोटा सा आप टिप्स है आप सबके लिए, तो ये ज़रूर आप लोग फॉलो करना। सो गाइस मुझे तो ये क्रीम पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हो। बट आपको क्या करना है, आप ना अपने में कवर वाला कोई हैंड ग्लव्स पहन लो, देन आपको यहाँ पर जो ये एरिया है ना, इस पर आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है, ठीक है। जब आप इसे बाल को इस टाइप से करते हो ना, तो इस टाइप से आप यहाँ से इसे प्रेशर दोगे तो ये अच्छे से क्रिम्प करता है, ठीक है। ये बातों को आप ध्यान रखना। एंड हाँ, इसका इसमें टेम्परेचर सेट ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो आप यहाँ से क्या कर, जब आप अपने थोड़ा देर आप करना, फिर देन आपको यहाँ से आप ऑफ कर देना, फिर आप ऑन करना, इस टाइप से आप करना। एंड हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, अगर आपके पास अच्छे से टाइम है ना, देन आप इसको करना, तब ये बहुत अच्छे से होगा। जल्दी जल्दी में आप करोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। एंड इसका प्राइस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, देन आपका आपको इसका कोड भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके डेफिनेटली परचेस करना कर सकते हो। एंड बस इतना ही, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड बहुत ज़्यादा आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार दोगे एंड अपना सपोर्ट दोगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।